बदायूं दातागंज कोतवाली के ग्राम सलेमपुर में विवाहिता ने पुलिस की करतूतों से तंग आकर आत्महत्या की। आपको बताते चले कि आबिदा बानो बदायूं में अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तभी उसके आलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम म्याऊ के रिश्तेदार समीर पुत्र इकबाल जोहे पुत्र इसरार अरबाज पुत्र राशिद बदायूं बस स्टॉप पर मिले और बताने लगे कि आपके पति शादाब खां की तबीयत बहुत खराब है, हम लोग उन्हें देखने जा रहे हैं, आप भी चलना हो तो चल सकते हो। अपने पति की खराब तबीयत सुनकर अबिदा बेचैन हो गई, रिश्तेदार होने के कारण विश्वास कर लिया और उनके साथ चली गई। अबिदा बानो ने दातागंज कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन दातागंज पुलिस ने दिनांक 5 मई 2019 के प्रार्थना पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आबिदा बानो ने बताया कि तीनों ने एक गाड़ी में बिठाकर मुझे सिकंदराबाद ले गए और वहां ले जाकर तीनों ने एक कमरे में बंद कर लिया और तीनों ने मेरे साथ एक सप्ताह तक लगातार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे कानों के सोने के कुंडल, गले की सोने की चैन, चांदी की पायल ले तथा एक मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए, अपने कब्जे में ले लिया। मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। एक दिन तीनों लोग मुझे ट्रेन से दिल्ली ले जा रहे थे, तभी मैंने यात्रा ट्रेन में यात्रा कर रही सवारियों से फोन मांगकर अपने पिता को पूरी घटना से अवगत कराया। मेरे पिता मेरे पास दिल्ली पहुंचे और तभी यह तीनों लोग वहां से फरार हो गए। उसके बाद मेरे चाचा रजा खान बहनोई में महफूल दातागंज थाने आए और पूरी घटना की लिखित तहरीर थाना दातागंज में दी गई। दातागंज पुलिस ने मेरे तथा मेरे पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं गलत भाषा का प्रयोग करते हुए भगा दिया गया और आज एक माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अबिदा बानो ने परेशान होकर मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें पुलिस की करतूतों का खुलासा किया तथा उसने बताया कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तीनों ने मेरे साथ गलत काम किया इसलिए अब वह मुझे रखने को भी तैयार नहीं है और दातागंज पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में मुझे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं होगा तथा मैं अब जिंदगी जीना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने परिवार वालों से यह गुजारिश करती हूँ कि तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मृतका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वहीं आबिदा बानो की मरने की खबर सुनते ही उपजिलाधिकारी उन क्षेत्राधिकारी दातागंज मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे थे। अब देखना ही होगा कि दातागंज पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। सर, ये दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक सर रेप के बाद अपहरण का मामला सामने आया था और उसमें पीड़िता ने जो है सुसाइड कर लिया था, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है सर, क्या घटनाक्रम है? देखिए, आज अपराह्न में दातागंज थाना क्षेत्र में एक गाँव है, वहाँ से एक सूचना आई थी कि एक विवाहिता जो 24 साल की है उसने आत्महत्या कर ली है। इसमें थाना प्रभारी और पूरी पोस्ट अधिकारी जन गए थे और उसमें इसने एक प्रार्थना पत्र भी 12 तारीख को एडीजी महोदय को दिया था जिसमें FIR पंजीकृत करने के ऑर्डर हुए थे और आज FIR भी पंजीकृत हो गई थी। इसने वारदात में ये लिखा है, उस प्रार्थना पत्र में लिखा है कि 15 मई को इसी के तीन रिश्तेदार जो हैं, जो एक तो सगा रिश्तेदार है जो कि इसके साले का भाई है और दो और हैं जो कि इसको लेकर के सिकंदराबाद तेलंगाना प्रदेश में ले गए थे और वहाँ पर इसके साथ बारी बारी बलात्कार किया और इसको लेकर दिल्ली जा रहे थे तो ट्रेन में इसने किसी यात्री से फ़ोन मांग करके अपने पिता चाचा और बहनोई को सूचित किया और वो लोग दिल्ली आए, इसको ले आए और इससे इसके जो भी पहने हुए पाजेब थे, इसका मोबाइल था, इसकी बिछिया थी, सभी उन्होंने लूट लिया। इसमें 376D और 392 343 का मुकदमा पंजीकृत हो गया है, साक्ष इसमें संकलित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें पुलिस जो है अग्रिम क्या फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या PM पैनल से कराया जा रहा है या कॉल डिटेल्स से? इसमें चूंकि इस तरह के इन्होंने आरोप लगाया और घटना स्थल भी ये गैर प्रांत का है इसलिए इसमें हम लोग इसको पैनल से ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करेंगे और जो अन्य चीज़ें जहाँ भी सिकंदराबाद जाना या दिल्ली का जाना और उसके अन्य लोगों का जाना है वो तमाम सबूत जो भी FIR में आए हैं उसके आधार पर साक्ष्य को संकलित करके इसकी कार्रवाई करेंगे।